सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 6 के भूगोल विषय का पाठ 1 सौरमंडल में पृथ्वी का आगे का प्रकरण सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि जब सूर्यास्त होता है तो उसके बाद आकाश में हमें कई चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं। छोटी छोटी इन चमकीली वस्तुओं के साथ साथ हमें प्रतिदिन चंद्रमा भी आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है। तो जो ये चंद्रमा है, इसका अलग अलग समय पर अलग अलग आकार होता है। कभी ये हमें पूरा दिखाई देता है तो उस दिन पूर्णिमा होती है, इसे पूर्ण चंद्रमा वाली रात भी कहते हैं। और इसके ठीक 15 दिन बाद ये हमें दिखाई नहीं देता तो उस दिन इसे अमावस्या भी कहते हैं। और कभी कभी हमें इस तरह से ये हाफ चंद्रमा भी यानी अर्धमून इसे कहते हैं, वो भी हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, वे जो सभी वस्तुएं आसमान में रात के समय चमकती हैं, ये खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड हैं वो बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं, गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी खुद की ऊष्मा होती है, प्रकाश होता है। और इन सभी खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूरज भी क्या है? एक तारा है। जैसे कि हमने इससे पहले भी ये पढ़ा कि जो रात्रि में आसमान की ओर जब हम देखते हैं और हमें उसमें बहुत सारे तारों के समूह दिखाई देते हैं और हम उन तारों के समूह से कई आकृतियां बनाते हैं, जैसे त्रिभुज की बनाई। और ये हमने इसी सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों के तारे की जो आकृति है इसके बारे में पढ़ा था। ध्रुव तारे के बारे में हमने पढ़ा था कि इससे इस तरह से दिशा में ध्रुव तारा होता है जो उत्तर दिशा को बताता है। तो ये जो तारों की आकृतियां हैं ये सारे क्या? नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। इसके बाद हमने ये देखा था कि कुछ खगोलीय पिंड हैं उनमें खुद का कोई प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है और वे जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, तो ऐसे पिंड हैं वो ग्रह कहलाते हैं और ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ऐसे ही जैसे पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, वो भी क्या है? एक ग्रह है और ये अपना प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। अगर हम पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से देखें, जैसे चंद्रमा पर जाकर वहाँ से हम पृथ्वी को देखेंगे, तो ये बिल्कुल हमें चंद्रमा की तरह चमकती हुई दिखाई देगी। इसके बाद हमने पढ़ा था सौरमंडल के बारे में कि सौरमंडल का हमने ये चित्र देखा, इसके अंदर जो विभिन्न इसके ग्रह हैं उनके बारे में देखा, उपग्रहों के बारे में देखा हमने, इनके कुछ मुख्य मुख्य बिंदु हमने इससे पहले पढ़े थे। तो आज हम इसी सौरमंडल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए, सौरमंडल जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है और इसका मुखिया है सूर्य। और मुखिया के अलावा जो उसके सदस्य हैं इस सौर परिवार के, उसमें 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ये सभी मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। केंद्र का मतलब बिल्कुल बीचों बीच, जैसे मानो ये है सौरमंडल तो ये यहाँ पर बीचों बीच सूर्य स्थित है। यह बहुत बड़ा है और अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है और इसका खिंचाव बल है वो इसे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य पूरे इस सौरमंडल के लिए प्रकाश देता है, ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं क्योंकि ये सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद भी हमसे बहुत दूर है और सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो देखो, 1, 2, 100, 400, 1000 नहीं है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ये जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। देखिए, हमने इस चित्र में हमने ये देखा था कि जो सूर्य के सबसे पास में ग्रह है वो बुध ग्रह है, फिर उससे दूसरे नंबर पर है शुक्र और पृथ्वी है वो तीसरे नंबर पर है। तो वैसे तो ये सूर्य के सबसे पास में हुई, लेकिन जब फिर भी इसकी जो ये दूरी है ये है 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके अन्य सदस्यों की, ग्रहों की। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस तरह से ये 8 ग्रह हैं।
तो सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका बताया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हम इन ग्रहों के अंग्रेजी में नाम देख लेते हैं कि जैसे बुध को अंग्रेजी में हम कहते हैं मरकरी, तो ये माए से एम बन गया। जो इनका पहला अक्षर दिया हुआ है आपको लाल रंग में, यहाँ माए वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए इनके जो पहले लेटर हैं एम वी ई एम जे एस यू और एन, तो इनसे अंग्रेजी में हम इन ग्रहों को क्रम से याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके नाम अंग्रेजी में क्या हैं। जैसे बुध है तो बुध को मरकरी कहते हैं तो वो एम से बन गया। फिर शुक्र है, ये वीनस वी से बन जाएगा। पृथ्वी है, ये तो हमें पता ही है, इसे अर्थ कहते हैं तो ये ई से बनेगा। इसके बाद है मंगल ग्रह, इसे हम मार्स कहते हैं और ये एम से बनेगा। बृहस्पति को जुपिटर, जो कि जे से बन जाएगा। और शनि को हम कहेंगे सैटर्न, जो कि एस से बनेगा। और यूरेनस तो यू से है ही, और नेपच्यून भी एन से बनेगा। तो इस तरह से इसको अंग्रेजी में क्रम से याद करना आसान हो जाएगा। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, नट्स कह दीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो ये सौरमंडल के जितने भी 8 ग्रह हैं, ये सारे एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। अब इनका जो चक्कर लगाने का रास्ता है वो फिक्स है, ये इन सब की जगह है वो निर्धारित है। ये अपने अपने निश्चित पथ पर ही सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और ये रास्ते हैं जो दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। इस तरह से गोल नहीं है ये, थोड़े आप ध्यान से देखना कि ये इस तरह से दीर्घ वृत्ताकार में है। जो भी हमने ये सौरमंडल का चित्र देखा था, ये वाला आप देखिए इसमें, कि इन सब के जो ये पथ है, ये वाले ये सब पथ हैं, ये निश्चित हैं और ये अपने निश्चित पथ पर ही परिक्रमण करते हैं। और जो इनके पथ का आकार है वो थोड़ा दीर्घ वृत्ताकार है, इस तरह से है इनका आकार, एकदम गोल भी नहीं है ना ही अंडाकार है, ठीक है। इसके बाद देखिए, हम यहाँ पढ़ रहे थे जो ये दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, इसे हम कक्ष कहते हैं या कक्षा कहते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है, यह भी हमने देखा। तो अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। ये हमने इससे पहले जब मुख्य बिंदु पढ़े थे सौर मंडल के बारे में, उसमें पढ़ा था। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। अब देखिए, जो दूसरे नंबर पर शुक्र ग्रह है, उसे पृथ्वी का जुड़वां ग्रह क्यों माना जाता है? क्योंकि जो इसका आकार है और जो इसकी आकृति है वो लगभग है वो पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक जो कि अगस्त 2006 में हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड और प्लूटो, ये बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो 2006 से पहले कितने ग्रह माने जाते थे? 9। और 2006 के बाद जब ये मीटिंग हुई तो उसके बाद से जो ग्रहों की संख्या है वो 8। तो कौन से ग्रह को हटाया गया? प्लूटो को। और प्लूटो को क्या माना जाने लगा? बोने ग्रह, यानी छोटे ग्रह, क्षुद्र ग्रह इन्हें माना गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जैसे कि हमने देखा। आकार में यह पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ये पांचवें नंबर पर आती है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। ध्रुवों का मतलब, जैसे आप कभी कोई गेंद को, बॉल को अपने हाथ में पकड़ना, और जो उसका एक हिस्सा ऊपर का और एक हिस्सा नीचे का, जो अंगूठे के पास और उंगली के पास होता है, जैसे ये बॉल है तो इसका ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों क्या कहलाएंगे? ध्रुव कहलाएंगे। और इन दोनों ध्रुवों के पास से ये थोड़ी सी चपटी है। कभी आप कोई थोड़ी नरम जैसे फोम की बनी हुई बॉल लेना और उसे अपने दोनों हाथों से ऐसे ही दबा के देखना, जब आप उसे दबाओगे तो वो थोड़ी सी ऊपर से चपटी हो जाएगी। जैसे हम ये कह सकते हैं कि संतरा है, नारंगी है, वो आपने उनके जो ऊपर वाला हिस्सा है वो थोड़ा दबा हुआ होता है, उसी तरह से।
लेकिन हम ये नहीं कि पृथ्वी का जो आकार है ना तो वो पूरा गोल है ना ही वो अंडाकार है, उसका एक अलग ही आकार है और इसीलिए इसके आकार को भू आब कहा जाता है। यानी भू आब का मतलब होता है पृथ्वी के समान आकार। तो जीवन के लिए जो भी अनुकूल परिस्थितियाँ हैं संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। यानी कि जैसे हमें जीवित रहने के लिए जल चाहिए, हवा चाहिए, स्थल चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं वो पृथ्वी पर ही संभव है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी है, वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें होती हैं जैसे ऑक्सीजन है, वो भी मौजूद है। तो इन्हीं कारणों से जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का सबसे एक अद्भुत ग्रह है, इसीलिए पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह भी कहते हैं। जब हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखेंगे तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी है वो नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि इसका जो दो तिहाई सतह है वो पानी से ढका हुआ है और इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। तो जो ये पूरी पृथ्वी है इसका 70% हिस्सा है वो है पानी का और 30% हिस्से पर भूमि यानी स्थल पाया जाता है। तो इसीलिए अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। अब यहाँ देखिए कि क्या आप जानते हैं कि जो प्रकाश की गति है वो लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी जो सूर्य का प्रकाश है वो 1 सेकंड के अंदर ऊपर से पृथ्वी पर 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड में आ जाता है और इसी गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो देखो यानी 1 सेकंड में वो 300,000 किलोमीटर की दूरी तक प्रकाश फैलाती है, लेकिन फिर भी पृथ्वी इतनी दूर है सूर्य से कि उस एक प्रकाश की किरण को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट का समय लगता है। इसके बाद हम बात करेंगे चंद्रमा के बारे में। तो देखिए जैसे कि हमने पहले देखा कि जो चंद्रमा है वो हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही है, यानी पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा। अब इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यानी जैसे मानिए ये चंद्रमा है तो इसका यहाँ से इस मध्य से यहाँ तक ये जो है ये व्यास है और जो पृथ्वी का व्यास है वो इसका 4 गुना है। ऐसे जैसे मानो ये 1, 2, 3 और ये 4। अब जो पृथ्वी है वो इतनी बड़ी हो जाएगी, तो जो पृथ्वी के व्यास से चंद्रमा का जो व्यास है वो 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए हमें दिखाई देता है चंद्रमा क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है और यह हमसे 384,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। इसके बाद देखिए कि यहाँ रोचक तथ्य में कि नील आर्मस्ट्रांग है ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। अब मालूम कीजिए कि क्या कोई भारतीय है जो चंद्रमा पर गया है? तो नहीं, अभी तक कोई भी ऐसा भारतीय नहीं है जो चंद्रमा पर गया हो। अब हम बात कर रहे थे कि उपग्रह, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा। उपग्रह एक ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे कि पहले वाली वीडियो में हमने देखा, मानो ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये क्या है कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है और अब ये है चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या करेगा कि वो इस पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो इन्हें हम कहेंगे उपग्रह। तो ऐसे खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। लेकिन कुछ उपग्रह क्या होते हैं, मानव निर्मित भी होते हैं। जैसे चंद्रमा है ये तो क्या है कि एक प्राकृतिक उपग्रह है, यानी प्रकृति द्वारा बना हुआ है। लेकिन कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं जिन्हें ये कृत्रिम पिंड होते हैं और ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जाते हैं और जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए
और पृथ्वी पर संचार माध्यमों के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। तो अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह भी हैं, जैसे इनसेट है, IRS है, एड्यूसेट है, इत्यादि हैं। ये देखिए कि आपको यहाँ नीचे चित्र दिखाई दे रहा है कि कैसे ये उपग्रह है, एक कृत्रिम उपग्रह जो कि उसमें कक्षा में उसने प्रवेश किया और फिर उसमें से ये ऐसे रॉकेट निकलता है और ये जो रॉकेट है वो पृथ्वी पर गिरने लगता है और यहाँ पर रॉकेट का प्रक्षेपण हो जाता है, यानी रॉकेट स्थित हो जाता है। तो इस तरह से ये मानव निर्मित उपग्रह आपको यहाँ दिखाई दिया गया है। इसके बाद देखिए कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं और जो चंद्रमा की सतह पर छाया भी बनाते हैं। आपने कभी कभी चंद्रमा देखा होगा रात में, तो हमें चंद्रमा के अंदर जैसे कुछ धुंधली धुंधली आकृतियाँ दिखाई देती हैं, है ना। तो वो उसकी जो चंद्रमा की सतह पर पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं, वो हमें उसकी छाया दिखाई देती हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्षुद्र ग्रह की कि क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं। जैसे तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी हैं, वो सूर्य के चारों ओर चक्र लगाते हैं और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र का मतलब भी होता है छोटे। तो ऐसे तारे हैं, ग्रह हैं, जो उपग्रह, उनके अलावा भी कई छोटे छोटे पिंड होते हैं, वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब देखिए जो ये छोटे छोटे ग्रह हैं ये कहाँ हमें मिलेंगे, तो ये जैसे मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसे कि ये देखिए इसी मानचित्र में हम देख लेते हैं, इस चित्र में हमने देखा था, जैसे ये है बृहस्पति और ये है मंगल ग्रह। तो इन दोनों ग्रहों के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, जो आपको यहाँ एक ये पट्टी सी दिखाई दे रही है और यहाँ लिखा हुआ भी है क्षुद्र ग्रह पट्टी, तो जो ये आपको छोटे 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 हैं, ये बहुत सारे असंख्य पिंड हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रहों के ही भाग होते हैं, जो कि बहुत वर्षों पहले जब विस्फोट हुआ था तो इन विस्फोटों के बाद ये ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे उल्कापिंड के बारे में कि उल्कापिंड किसे कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं, जो कि ये भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी जो प्रवृत्ति है वो पृथ्वी पर गिरने की होती है, यानी ये जो चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं और ये पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। तो इस प्रक्रिया के दौरान जब ये चक्कर लगाते हैं और गिरने वाले होते हैं, तो उसी समय क्या होता है कि वायु के साथ इनका घर्षण होता है और वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर जल जाते हैं। जैसे हम ये कहते हैं टूटता हुआ तारा जो हमें दिखाई देता है, तो जब ये घर्षण होता है तो उसमें ऐसे एक रोशनी सी निकलती है, तो फलस्वरूप क्या है, चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का है वो पूरी तरह से जले बिना ही पृथ्वी पर गिर जाती है, और जब वो उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं तो जहाँ पर वो गिरेंगे वहाँ वो क्या गड्ढा बन जाता है। और ज़्यादातर क्या है, ये पृथ्वी की सतह पर आने से पहले ही उसी ब्रह्मांड में ही जलकर नष्ट हो जाती है। क्या आपने तारे वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली हुई चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? तो यह लाखों तारों का समूह होता है और यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है, जिसे मिल्की वे भी कहते हैं। तो देखो जो हमारी पृथ्वी है वो क्या सौरमंडल का हिस्सा है, और जो ऐसे कई सौरमंडल हैं जो इन आकाशगंगाओं में फैले हुए हैं और कई आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड बनाती हैं। अगर हम बात करें कि जो एक आकाशगंगा है, जैसे गैलेक्सी है,
उसमें 100 करोड़ से भी ज़्यादा तारे होते हैं और ब्रह्मांड के अंदर 1000 अरब से भी ज़्यादा आकाशगंगा है। तो इसी इन्हीं में से ही एक आकाशगंगा के अंदर हमारा सौरमंडल है। तो ये देखिए जो हमारी आकाशगंगा है जिसमें सौरमंडल है और पृथ्वी है उसका नाम है मिल्की वे। तो हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई है और इसीलिए इसका नाम आकाश गंगा। जैसे गंगा नदी है वो बहती है और ये सफ़ेद रंग की पट्टी के रूप में हमें दिखाई देती है, तो इसीलिए प्राचीन भारत में इसका नाम आकाश गंगा रखा गया, यानी आकाश में बहने वाली नदी। और अगर हम इस मिल्की वे की आकाश गंगा के जो आकार की बात करेंगे तो इसका आकार है सर्पिला आकार होता है। ऐसे कई आकाशगंगाएं होती हैं और इनके कई आकार भी होते हैं। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है और इस प्रकार की कई आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत ही कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं और इसके आकार के संबंध में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए हम यहाँ रहते हैं यानी पृथ्वी पर रहते हैं, तो जो पृथ्वी है वो क्या है, इसी सौर परिवार का ही तो एक सदस्य है, सौर मंडल का एक ग्रह है। और जो सौर परिवार है वो क्या है, वो कई आकाशगंगाओं से आकाशगंगाओं के अंदर आता है सौरमंडल। तो कई सौरमंडल मिलकर के क्या करते हैं, आकाशगंगा का निर्माण करते हैं और ऐसे ही हजारों लाखों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम भी एक ब्रह्मांड का ही हिस्सा हैं। तो इस तरह से हमने सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।